हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के दो और इक्विपमेंट सेमी कॉन्टिन्यूस सेंट्रीफ्यूज और सुपर सेंट्रीफ्यूज के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेमी कॉन्टिन्यूस सेंट्रीफ्यूज के बारे में। इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक बैच जो है सेंट्रीफ्यूज। तो ये अगर इन दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन आता है तो आपको इसी इक्विपमेंट के बारे में लिखना होगा। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये एक तरह का फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज होता है जो कि फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें जो हमारा प्रोसेस है सेपरेशन का, वो थ्रू ए जो है परफोरेटेड वॉल के थ्रू होता है और ये बेस्ड होता है ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड फेज। तो जो हमारी सॉलिड और लिक्विड फेज है उनकी डेंसिटी के डिफरेंस के ऊपर ये बेस्ड रहता है, और जो फिल्ट्रेशन होता है वो हमारा होता है परफोरेटेड वॉल के थ्रू। तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। इसमें एक होती है वर्टिकल परफोरेटेड बास्केट होती है, जिसके अंदर की साइड एक हम फिल्टर मीडिया अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने पार्टिकल साइज के अनुसार अटैच कर देते हैं। ये जो टोटल असेंबली है ये एक शाफ्ट के थ्रू एक मोटर से कनेक्टेड होती है जो इसको ड्राइव करता है। जो भी हमारी स्लरी है या वॉश पाइप है उसको हम हॉरिजॉन्टली बीच से इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, और जब ये रोटेट होता है तो क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं सॉलिड है वो केक के रूप में इसके ऊपर फॉर्म हो जाते हैं और लिक्विड इसके थ्रू पास हो जाता है। और यहाँ पे हम एक अटैच कर देते हैं नाइफ, जो कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। जब हमारे केक की थिकनेस पर्याप्त हो जाती है तो ये इसको एक्चुएट करता है और वहां से वो केक को वो रिमूव करके वो डिस्चार्ज असेंबली के थ्रू क्रिस्टल्स इसमें बाहर आ जाते हैं। तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल परफोरेटेड बास्केट विच इज सपोर्टेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल शाफ्ट ड्रिवन बाय ए मोटर। फ्रॉम द सेंटर ओपन साइड फीड एंड वॉश पाइप इज इंट्रोड्यूस हॉरिजॉन्टली। तो जो हमारी फीड पाइप है या वॉश पाइप है उसको हम हॉरिजॉन्टली इसमें बीच से इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें एक अटैच होता है जो है फिलर राइडर ओवर द फीड कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द फीड। और ये जो है हमारे सिस्टम के अंदर जो भी फीड है, मीन्स आप कह सकते हैं जो भी हमारा केक फॉर्म हो रहा है उसकी थिकनेस को कंट्रोल करता है। इसके अंदर एक रहता है हाइड्रोलिक जो सिलेंडर अटैच विच डिस्चार्ज द क्रिस्टल व्हेन डिजायरेबल। तो इसके अंदर जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है वो हमको जब डिजायर्ड होता है तब वो वहां से क्रिस्टल को डिस्चार्ज कर लेता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस इक्विपमेंट के वर्किंग के बारे में। तो जो भी हमारी परफोरेटेड बास्केट है उसको हम रोटेट करते हैं और जो हमारी स्लरी है उसको हम बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। जब इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है कि जो सॉलिड है वो हमारे बास्केट के ऊपर रिटेन रह जाते हैं और जो भी हमारा क्लियर लिक्विड है फिल्ट्रेट है वो सिस्टम को लीव करता है। तो मीन्स जब भी ये रोटेट होता है तो जो भी हमारा सॉलिड्स है वो यहाँ पे रिटेन रह जाता है फिल्टर मीडिया के ऊपर, और जो भी हमारा लिक्विड है वो इसके अंदर से इसके थ्रू बाहर निकल जाता है और हमें एक क्लियर लिक्विड प्राप्त हो जाता है। द केक इज वॉश्ड विद द वाटर। जो हमारी वॉश पाइप है उसके थ्रू हम वाटर को इंट्रोड्यूस करते हैं और जो हमारा केक है वो पास वॉश होता है जब हमें रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर अचीविंग डिजायर्ड थिकनेस 70 mm द फिलर कट ऑफ द एयर सप्लाई एंड ऑफ द एंट्री ऑफ स्लरी। तो जब हमारी डिजायर्ड थिकनेस अचीव हो जाती है फिल्टर केक की, तो क्या होता है कि जो भी हमारा फिलर है वो यहाँ पे जो है एयर की और स्लरी की सप्लाई को रोक देता है इसके अंदर। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है हाइड्रोलिक सिलेंडर है वो क्या होता है एक्चुएटेड होता है, ऊपर की ओर उठता है और वो लिफ्ट करता है हमारे नाइफ को। तो जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है वो ऊपर की ओर उठता है और हमारा जो नाइफ है उसको ऊपर की ओर इंट्रोड्यूस करता है, ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। अब क्या होता है कि जो भी हमारा नाइफ है वो हमारे केक को कम्प्लीटली उसमें से रिमूव नहीं करता है, वो एक वहाँ पे लेयर छोड़ देता है जो कि एक फिल्टर मीडिया की तरह काम करता है। मीन्स ये जो है पूरे केक को उसमें से रिमूव नहीं करता है, एक वहाँ पे छोटी सी लेयर छोड़ देता है, एक पतली सी लेयर छोड़ देता है जो कि हमारे फिल्टर मीडिया की तरह काम करता है। और जो भी हमारा क्रिस्टल है जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें जो है 2-4% मॉइस्चर रहता है। अब हम इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एडवांटेज है, इट इज़ यूज्ड व्हेन द सॉलिड कैन बी ड्रेन फास्ट फ्रॉम द बाउल।
अगर हमें बाउल में से अपने इक्विपमेंट में से सॉलिड को जल्दी निकालना है तो उस कंडीशन में हम इस इक्विपमेंट को यूज करते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये इसके अंदर होता है कंसिडरेबल ब्रैकेज होता है ऑफ द क्रिस्टल। तो जो भी हमारा क्रिस्टल है वो जब नाइफ से स्क्रेच होता है तो क्या होता है कि जो क्रिस्टल है उसके अंदर ब्रैकेज होता है, और ये जो इक्विपमेंट है इसमें वो काफ़ी सारे मूविंग पार्ट है जिसके कारण कि इसका कंस्ट्रक्शन और फंक्शनिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरे इक्विपमेंट सुपर सेंट्रीफ्यूज के बारे में। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सेडिमेंटेशन। तो ये एक तरह का होता है हमारा सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज होता है। इसमें भी जो प्रोसेस है हमारी सेपरेशन की वो बेस्ड होती है ऑन द डेंसिटी ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। तो जो हमारे दो इमिसिबल लिक्विड है उनकी डेंसिटी के डिफरेंस के अनुसार जो है लेयर्स सेपरेट होती हैं। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग हॉलो सिलेंडर बाउल ऑफ स्मॉल डायमीटर। तो इसमें एक जो है आप कह सकते हैं लंबा हॉलो मतलब खाली एक बाउल रहता है जिसका डायमीटर स्मॉल रहता है। इट कैन बी रोटेटेड ऑन इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। तो ये अपने एक लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पे रोटेट करता है, अपने प्लेस पे ही रोटेट करता है। जो फीड है फीड इज इनलेट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम बाय यूजिंग द प्रेशर सिस्टम। तो जो हमारा फीड है उसको हम बॉटम से इंट्रोड्यूस करते हैं विद ए प्रेशर सिस्टम। टू लिक्विड्स आउटलेट आर प्रोवाइडेड एट डिफरेंट हाइट एट द टॉप ऑफ द बाउल। तो जो हमारा लिक्विड है जिनको हमें सेपरेट करना है उनके लिए हम अलग अलग आउटलेट प्रोवाइड करते हैं वो जो कि अलग अलग हाइट पे रहते हैं हमारे इक्विपमेंट में। तो ये इस इक्विपमेंट का डायग्राम है। तो इसमें आप देखिए नीचे से हम फीड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारा रोटेटिंग बाउल है, ये हमारा मतलब बीच में एयर स्पेस है, और जो हमारा लिक्विड है अपने वेट के अनुसार इसमें जो है होता है अलग अलग होता है। तो इसमें आप देखिए जो हमारा हैवी फेज है वो नीचे से निकल रही है और जो लाइट फेज है उसको हम ऊपर से निकाल रहे हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है ये एक शाफ्ट के थ्रू मोटर से कनेक्टेड रहता है जो कि इसको एक हाई स्पीड पे रोटेट करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस इक्विपमेंट के वर्किंग के बारे में। तो जो भी हमारा हालांकि सेंट्रीफ्यूज है इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 2000 आरपीएम पे रोटेट करते हैं इसके लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पे। जो फीड है वो नीचे से बॉटम से इंट्रोड्यूस होता है। तो हमारी जो दोनों फेजेस हैं वो टू लिक्विड फेजेस वो सेपरेटेड बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटी। तो जो दोनों लिक्विड हैं वो अपनी डेंसिटी के डिफरेंस के अनुसार इसमें सेपरेट हो जाती हैं। जो द हैवियर लिक्विड इज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल व्हाइल द जो है लाइटर लिक्विड फॉर्म एंड इनर लेयर। तो जो भी हमारा हैवी लिक्विड होता है वो इक्विपमेंट के कॉर्नर पे आ जाता है, और जो हल्का लिक्विड होता है वो कहीं बीच में ही इक्विपमेंट में जो रहता है। आप कह सकते हैं कि हैवी वो लिक्विड एक अलग लेयर फॉर्म करता है और जो हल्का लिक्विड है वो एक अलग लेयर फॉर्म करता है। द टू लेयर्स आर सेपरेटली रिमूव्ड फ्रॉम द डिफरेंट हाइट। तो जो दोनों लेयर हैं उनको हम डिफरेंट हाइट पे अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। अब हम इस इक्विपमेंट के यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूज फॉर द सेपरेटिंग लिक्विड फेज ऑफ एंड इमल्सन इन द फूड एंड फार्मास्यूटिकल। तो अगर कोई हमारे पास इमल्सन है फूड इंडस्ट्री की बात करें या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, अगर हमारे पास कोई इमल्सन है वो जिसमें दो लिक्विड है के लिए हम इस इक्विपमेंट को यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों इक्विपमेंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस टॉपिक का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू।